घरेलू नौकरानी से मांगी 20,000 की रिश्वत। खेत के नामांतरण के लिए गई थी महिला। पूर्व पटवारी ने भी लिए थे 3,000 रुपए। सरकारी सिस्टम के घुसखोरी के जाल में कोरबा की एक घरेलू नौकरानी फंस गई है। खेत के नामांतरण के लिए उसने तहसील जाकर पटवारी से संपर्क किया तो उसने 3,000 रुपए मांगे। कुछ दिन तक वह चक्कर लगाती रही। इसी बीच पटवारी का तबादला हो गया। अब नया पटवारी आया तो महिला से 20,000 रुपए की डिमांड रखती। सारा मामला कोरबा की पसान तहसील का है। इसके बाद स्थानीय विधायक ने SDM से जांच के लिए कहा है। दरअसल पोड़ी उपरोड़ा ब्लॉक के पसान क्षेत्र के आश्रित ग्राम बोकरा मुड़ी निवासी मुन्नीबाई को अपने खेत का नामांतरण कराना है। इसके लिए उसने पसान तहसील में आवेदन दिया था। मुन्नीबाई का आरोप है कि पटवारी दामोदर तिवारी ने उससे नामांतरण की एवज में 20,000 रुपए मांगे थे। इससे पहले वाले पटवारी विजय प्रताप सिंह को भी वह 3,000 रुपए दे चुकी है, लेकिन आज तक उसका नामांतरण नहीं हुआ। मुन्नीबाई का कहना है कि वह एक गरीब परिवार से है, दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा कर अपना परिवार संभालती है, ऐसे में इतनी बड़ी रकम का इंतजाम नहीं कर सकती है। पटवारी पास गया साहब मेरे कल, तो वो बोली इसकी पैसा ला 20,000 तो मैं बनाऊंगा तेरा काम, नहीं बनाऊंगा। तो 3 हफ्ता हो गया साहब मैं गए थे, तो एक दिन गया तो बोला रख दो कागज में रखे आया। फिर दोबारा हफ्ते में गया तो बोला कि हाँ जाओ आदेश ला के लाओ। फिर तीसरा हफ्ता में गया साहब तो बोली इसकी पैसा लाओ कही के, तो 20,000 में गरीब मैं कहाँ से पाऊँ कही के बोलो साहब। तो वो बोली इसकी हाँ दमोदर से, दमोदर पसान से मुड़ी मोहल्ला जी सर। पट्टा में ऑनलाइन करवाना है साहब, पट्टा में ऑनलाइन करवाना कह के बोलो तो धमकी दे साहब। वही महिला के पति यशवंत ने आरोप लगाया है कि वह कागज लेकर गया तो पटवारी ने उससे कहा कि पहले पैसे दोगे तभी चढ़ाएगा, हमने असमर्थता जाहिर की तो कागज फेंक दिए। पर्ची के ऑनलाइन चढ़वाने गए थे पटवारी के पास तो नहीं चढ़ाया, पैसा मांगता है, गरीब आदमी कहाँ से दें सर। कितना पैसा मांगता? 20,000। कहाँ का पटवारी है ये? हल्का पसान का है, रहने वाला कोरबा का है, दामोदर तिवारी। अच्छा, अन्य लोगों ने भी इसी तरह के आरोप लगाए हैं कि उनसे 10 से 20,000 रुपए की मांग की जा रही है। आरोपी पटवारी दामोदर तिवारी का कहना है कि उसने कोई रुपए की मांग नहीं की। मामला 2009 का है, पुराना होने के चलते कागजात देखने में समय लग रहा है, 3-4 दिन तो लगेगा ही। पहले के पटवारी ने क्या किया इसकी जिम्मेदारी नहीं है मेरे पास, ना मुझे पता है। 9 साल 12 साल पहले का है। नहीं गलत बात, 2009 का केस है, आपको पता। ऑनलाइन तो सभी लोग का चढ़ रहा होगा, उसका भी चढ़ा सकते हैं। नहीं तो मैं अपने कार्यकाल का रहता तो मैं तुरंत चढ़ाता। 2009 का केस है तो मेरे कम से कम 2-4 दिन समय चाहिए जांच करने के लिए। ऐसा कोई आवेदन नहीं आया एक हफ्ते से मेरे पास, तो उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता ना। मैं तो अभी आया हूँ ना, अपनी जिम्मेदारी बताऊंगा। पैसा जो आरोप लगा रहे हैं खंडन करते हैं, मतलब नहीं? हाँ हाँ, पैसा खंडन करता हूँ मैं। वही स्थानीय विधायक मोहित राम केरकेट्टा ने जानकारी मिलने के बाद SDM को सूचना दी और जांच के निर्देश दिए हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनहरन साहू की रिपोर्ट।